और दहेज कितना सिवियर इशू है क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। इंडियन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2010 की रिपोर्ट में 8,391 औरतों को दहेज की वजह से जला कर मारा गया। यानी कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे हर डेढ़ घंटे में, 1.5 आवर में एक औरत को जला कर मारा जा रहा था दहेज की वजह से। आई थिंक फिगर तो इससे कहीं ज्यादा है। आप अगर गौर करें कितने सारे ऐसे दामाद होते हैं जो एक बार दहेज मांगते हैं और दहेज एक बार शादी के टाइम पर उनको मिल जाता है, उसके बाद वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। कार चाहिए, फर्नीचर चाहिए, स्कूटर चाहिए, फला चीजें चाहिए, वो सब मिल गया, एक बार होके सेटिस्फाई हो गए। लेकिन कितने सारे ऐसे होते हैं जो एक बार लेकर खुश नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं हो जाते, उनका डिमांड होता है शादी के बाद भी, मतलब फिर एक बार मांगेंगे और फिर मांगेंगे, बार बार मांगेंगे। और जो उनके ससुर हों जो देते रहे, लड़की के फादर जो देता रहे, तो वो दामाद का पेट भरा हुआ है, वो थोड़ी जला के मारेगा। कौन जला कर मारता है? आप देखिए कि कोई ऐसा है जिसको मांगने के बाद मिला नहीं, मांगा मिला नहीं, तो वो ताने देता है, वो औरत का जीना मुश्किल कर देता है, उसे फेस कर करके, उसे जिल्लत और रुसवाई का सामना करके उस औरत को जीना पड़ता है, जिंदगी उसकी ऐसी कट जाए। लेकिन कुछ ऐसे रेडिकल किस्म के लोग होते हैं जो अपनी बीवियों को जला कर मार देते हैं ताकि कोई और बीवी आए और फिर से उनका दहेज का सिलसिला स्टार्ट हो जाए। तो ये 8,391 है, ये एक छोटा सा इंडिकेशन है, लेकिन कम से कम हम अंदाजा लगा सकते हैं।